जय हिंद दोस्तों, आप सबको पता ही है कि 12 अगस्त से एमपी पुलिस के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो अब गिनती के 10-12 दिन बचे हुए हैं, जिसमें आपको पूरा तैयारी करना है, क्या मैनेजमेंट करना है, कैसे पढ़े, कैसे क्या करें। तो आप अब जो अंतिम 10-12 दिन बचे हुए इसमें क्या करें, अब पढ़ाई जितनी करी थी आपने वो कर ली, चलो ठीक है, लेकिन आप जो अंतिम 10 या 12 दिन बचे हुए हैं उसमें आप पूरे जितने भी टेस्ट पेपर हैं टेस्ट पेपर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाइए और टेस्ट पेपर करिए साथ में, और जो ऑनलाइन पेपर मिलते हैं वो करिए, और आप पीबी की वेबसाइट पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर लो उनको, नहीं है तो मैं इस पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जितना हो सके टेस्ट लगाइए डेली, कम दो से कम 5 या 10 टेस्ट लगाइए डेली, तभी जाके आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। क्योंकि अब 10-12 दिन बचे हुए, आप इसमें क्या करें क्या नहीं करें, ऐसे निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा एक महीना कैसे निकल गया। अभी अंतिम 10-12 दिन में कम से कम 20-25 टेस्ट लगा लीजिए आप, और पुराने पेपर जितने भी 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 के जो अभी वर्तमान के 20 में हुए थे पेपर अभी फिलहाल, वो भी लगाइए। आप जितने भी पेपर है पेपर, सारे पेपर लगाइए, सारे पेपर सोल्व करिए। उससे आपको क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे पेपर आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, रीजनिंग कैसे पूछते हैं, मैथ्स कैसा पूछा जाता है, जीके कैसा आता है, साइंस कैसा आता है, वो सबको आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाएगा। तो आप जितना हो सके उतना टेस्ट पेपर लगाइए और करेंट अफेयर डेली पढ़ते रहिए, करेंट अफेयर डेली अपडेट रहिए, करेंट अफेयर क्या आ रहा है क्या नहीं है करेंट अफेयर पर। हाँ, खास बात यह कि जो अभी है अगस्त जुलाई से पहले जो अभी जनवरी फरवरी का पढ़ो, और 2021 का पढ़ो, 20, 21, 22 ये इनका तीनों का करेंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए। 20 का पढ़ो, 21, 22 का करेंट अफेयर आपको अच्छे से याद होना चाहिए पूरा, एक थ्योरिकल कौन सी योजना आई है कौन सी नहीं आई है, क्योंकि 10 नंबर का ये साइंस आता है और उसमें करेंट अफेयर 2-4 नंबर के करेंट अफेयर आते हैं, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि अगर आप वर्दी लेना है तो जी जान लगाना पड़ेगा दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा मेरा भाई। और साथ में इस बार यह है कि आपको फिजिकल अच्छे कम से कम 60 या 70, 80 नंबर तक लगाए, 70-80 नंबर तक, तो आपको फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो। तो इसलिए दिल से मेहनत करो दोस्तों, और अच्छे से पूरे ईमानदारी से मेहनत करो, पूरे टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन पेपर दो, मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना टेस्ट लगाइए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और आपको पैटर्न पता चलेगा, बहुत सारे भाई लोग पहली बार एमपी पुलिस का एग्ज़ाम देंगे, और बहुत सारे तो भाई ऐसे हैं जो पहली बार कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी बढ़िया फ़ायदेमंद रहेगा कि कैसे पेपर आते हैं कैसे नहीं आते हैं, अब टेस्ट पेपर से आपको बड़ा अनुभव होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी करते, और जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम आपको पूरे जानकारियाँ दे सकें, फिजिकल से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, मैथ से, रीजनिंग, सिलेबस, जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट करके बता दिया करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।